हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल कसेडिया। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी ये वीडियो कसेडिया के ऊपर। हम लोग वेजिटेबल कसेडिया कैसे बनाते हैं? तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल कसेडिया बनाने के लिए हम बना रहे हैं डो। तो डो के लिए हमने ले लिया है फ्लोर, और ये ले लिया हमने होल व्हीट फ्लोर। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं ड्राई ईस्ट या बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं ऑयल, और इसके बाद डालने वाले हैं वाटर, और इसके बाद डालने वाले हैं हम इसमें सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बन गया हमारा कसेडे का डो। हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनाते हैं, और इसके बाद हम इसको फार्मेट करने के लिए रख देते हैं कम से कम 30 मिनट तक। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया है क्लीन रैप, और अब ये हो जाएगा कुछ देर में फार्मेट। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल कसेडिया बनाने के लिए हमने काट दिए वेजिटेबल, जो कि जुलियन कटिंग में है। हमने काट दिए हैं जुलियन टमाटोज, बेल पेपर, रेड, येलो, ग्रीन, हमने काट दिया है इसके लिए ऑनियन स्लाइस। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं जोन चीज। और फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करने वाले हैं कॉर्न्स या राजमा। और इसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करने वाले हैं। ये सारे मिक्सचर की हम बनाने वाले हैं एक फिलिंग। तो गाइस, हमने फिलिंग तैयार करने के लिए इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल, गार्लिक, और हम इसको कर रहे हैं रोस्ट। तो गाइस, हमने इसमें डाल दिया है ये कटिंग वेजिटेबल। और अब हम इसमें ऐड करें सॉल्ट, पेपर, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जोन चीज। और फ्रेंड्स, हम इसमें यूज करें टच ऑफ टमाटो सॉस। तो गाइस, इस तरह से बनकर तैयार हो गई हमारी फिलिंग। और अब हम बनाने वाले हैं इसके बाद डो, और डो हम आपको बना के दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इसका डो बना दिए हैं। और इसके बाद हम इसके लिए रोटी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हो गया हमारा डो फॉर्मेट। और अब हम इसके लिए बनाने वाले हैं
दो तिला ब्रेड। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा डोका पेड़ा तैयार है और अब बनाने वाले हैं हम रोल। तो फ्रेंड इस तरह से बन गया हमारा रैप, रैप की रोटी। और अब हम इसको इस तरह से काटते हैं। तो इस तरह से तैयार हो गई हमारी तोतला ब्रेड्स। और अब हम इसको डालने वाले हैं ओवन में। और ओवन में ये 2-3 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको ओवन में डालने वाले हैं। तो इस तरह से अब हम इसको डालने वाले हैं ओवन में। और ये हमारे 2-3 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से बन चुकी है हमारी तोतला ब्रेड्स। चम्मच यार। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया है फिलिंग। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चीज। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें स्टफ कर दिया चीज। और अब हम इसका करने वाले हैं रोल हाफ मून साइड में। इसको बनाएंगे हम हाफ मून। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही बन गया हमारा हाफ मून रैप। और अब हम इसको करने वाले हैं बैक और ग्रिल। तो फ्रेंड्स अब हम बनाने वाले हैं कसेडिया। तो इस तरह से हमने कसेडिया हाफ मून में बना दिया है। और अब हम इसको सेकने वाले हैं इस तरह से। पहले हम इसको वन साइड पकाएंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड पकाएंगे इस तरह से। अब अपनी कसेडिया ब्रेड को और जब ये अच्छी तरह से पक जाती है फिर हम इसमें करते हैं बटर ब्रेड। तो फ्रेंड्स जिस तरह से बन गया हमारा कसेडिया बेस जो कि गेस्ट के लिए एकदम रेडी है, इस तरह से बनाते हैं हम कसेडिया बेस। दोस्तों ये है सालसा सावर क्रीम। सालसा और सावर क्रीम की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पहले आप लोगों को दिखा रखी है किस तरह से हम सालसा और सावर क्रीम बनाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा चैनल, लाइक शेयर कमेंटमेंट करते रहिए। और दोस्तों जो लोग वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।